हमें कांग्रेस ने नहीं हमारी कमी ने चुनाव हराया, कमल पटेल प्रभारी मंत्री ने ली प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हार के कारणों की हो रही समीक्षा। नकुलनाथ पर गिरिराज का कटाक्ष, पहले अपनी विरासत बनाए फिर करेंगे बात। बुद्धिजीवी वर्ग, व्यापारी और प्रतिष्ठित नागरिकों से मंत्री ने मांगे सुझाव, होटल द करण में हुआ सम्मेलन। कांग्रेस ने की जयंती पर राजीव गांधी को याद, संगठनात्मक चुनाव को लेकर हुई महत्वपूर्ण बैठक। और छोटी बाजार में रही जन्माष्टमी की धूम, गोविंदाओं की टोली ने फोड़ी मटकी। सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने नगर पालिक निगम चुनाव में भाजपा की हार होने पर कहा कि निगम चुनाव हम हारे हैं, हमें कांग्रेस ने नहीं हराया है, हम हमारी कमी के कारण हारे हैं, हार के कारणों की समीक्षा की जा रही है, इस बार सातों विधानसभा, छिंदवाड़ा लोकसभा हम जीतेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कई योजनाएं चला रहे हैं लेकिन विकास के नाम पर चुनाव नहीं जीता जाता, पार्टी का संगठन, नेतृत्व और परिस्थितियां, इनका भी अहम रोल होता है। 11 जनपद पंचायत में 6, 26 जिला पंचायत में 12 और तीनों नगर पालिका चुनाव भाजपा जीती है। इस पत्रकार वार्ता में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू सहित भाजपा के पदाधिकारी मौजूद थे। खाली विकास से चुनाव नहीं जीता जा सकता, विकास के साथ साथ पार्टी का संगठन, नेतृत्व और परिस्थितियां करती है। लेकिन मैं जो बताते हुए खुशी है कि ग्रामीण क्षेत्र में 11 जनपद पंचायतें हैं, उसमें से 6 में भारतीय जनता पार्टी जीती है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं। जिला पंचायत के 26 हैं, उसमें से 12 भारतीय जनता पार्टी जीती है, बाकी 2 निर्दलीय रही है। कांग्रेस ने जोड़ तोड़ करके बना ली उसको जिला पंचायत, लेकिन कांग्रेस से ज्यादा हमारे जीते हैं। दूसरा, नगर निगम नगर पालिका 3 चुनाव हुए, बरासिया, अमरवाड़ा और चोरी, तीनों में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने, हमारी जीत 100% कांग्रेस का सफाया हुआ। नगर पंचायतों में भी हम जीते हैं, नगर निगम जरूर हम हारे हैं छिंदवाड़ा में, तो इसकी हम समीक्षा कर रहे हैं। और यहां मैं कह दूं आपको कि कांग्रेस ने नहीं हराया, हम ही हारे हैं। केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री गिरिराज सिंह और जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने शनिवार को स्थानीय सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता की, जिसमें केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि छिंदवाड़ा जिले की लोकसभा चुनाव के लिए मैं आता रहूंगा, आज गेस्ट आर्टिस्ट हूँ, मेन आर्टिस्ट कमल पटेल है। छिंदवाड़ा की तुलना थाईलैंड से करने पर उन्होंने कहा कि मैंने यह कहा था कि छिंदवाड़ा में वह ताकत है कि देश में चिरौंजी का सबसे बड़ा हब छिंदवाड़ा बन सकता है। सांसद नकुलनाथ को भी उन्होंने आड़े हाथों लेते हुए इशारों ही इशारों में तंज कसा। उन्होंने कहा कि वे पहली अपनी विरासत बना ले, कांग्रेस डूबती नाव में इस बार खत्म हो जाएगी। किसी से माफी नहीं मांगता, मैंने कहा है कि छिंदवाड़ा में वो ताकत है कि देश में चिरौंजी का हब बन सकता है, इसकी आबादी, उसको अब मैं किसी का नाम नहीं लेता, जो बाप के विरासत पर हो उसका क्या नाम लेना, अपनी विरासत कभी बना नहीं, और कांग्रेस की डूबती हुई नैया है इस बार खत्म हो जाए। स्थानीय करण होटल में जिला छिंदवाड़ा के बुद्धिजीवी वर्ग, सहकारिता, व्यापारी संगठन और प्रतिष्ठित नागरिकों का सम्मेलन हुआ, जिसमें केंद्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह, कृषि मंत्री और छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल, भाजपा प्रदेश महामंत्री और राज्यसभा सदस्य कविता पाटीदार, जिला संगठन प्रभारी संतोष पारिक, भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू सहित भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन सहकारिता प्रकोष्ठ के अध्यक्ष संतोष पटेल द्वारा किया गया और आभार प्रदर्शन प्रदेश कार्य समिति सदस्य विजय झांझरे ने किया। कार्यक्रम में मंत्री द्वारा उपस्थित बुद्धिजीवी वर्ग, सहकारिता, व्यापारी संगठन और प्रतिष्ठित नागरिकों से सुझाव लिए गए और केंद्र व प्रदेश की योजनाओं की जानकारी भी दी गई। स्थानीय राजीव कांग्रेस भवन में आज आधुनिक भारत के निर्माता और संचार क्रांति के जनक भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती मनाई गई। कांग्रेस के समस्त पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी की छायाचित्र पर फूल माला और पुष्पगुच्छ अर्पित कर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा देश को दिए गए योगदान पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही स्थानीय राजीव भवन में आज
संगठनात्मक चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त छिंदवाड़ा जिले के DRO विराज महापात्रा की मौजूदगी में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठनात्मक चुनाव पर चर्चा की गई। वरिष्ठ पदाधिकारियों ने संगठन की महत्वपूर्ण गतिविधियों से अवगत कराया। और आपका जो काम है उनको धागा को स्ट्रेट करके रखने का और किसी में सारे मोतियों को जोड़ के रखने का, कोई पिछला रंग का हो या कोई आगे का हो, सारे अगर एक धागा का हो गए तो कमलनाथ भी रहेंगे, इसमें काम का धंधा भी रहेगा और इसको कोई परेशानी नहीं होगी। और ये एक बढ़िया एग्जाम्पल आप लोगों ने इस देश को दे रखे है। और किसी के नहीं, जब मुझे छिंदवाड़ा का मुझे मौका मिला आने के लिए बाकी बिहारी की बाल लीला को समर्पित दही हंडी उत्सव कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जिले भर में उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। कोरोना काल के 2 साल बाद शहर में गोविंदा आलारे मच गया, शोर सारी नगरी जैसे गानों की धूम रही। छोटी बाजार स्थित श्री राम मंदिर में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें गोविंदाओं की टोली ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा UPSC और MPPSC की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में, उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी नियर ट्रेवल म्यूजियम छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शुक्रवार को देर शाम छोटा बाजार स्थित श्री राम मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना मंदिर समिति के द्वारा की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर भगवान कृष्ण को भोग लगाया और उनकी विधिवत पूजा अर्चना की। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर भजनों की प्रस्तुति मंदिर में हुई। जन्माष्टमी के अवसर पर पूजा लॉन में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह चल रही है। कथा के 5वें दिन कथा व्यास पीठ पर देवी पूजा किशोरी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया। उन्होंने अपनी कथा में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, योग माया, यशोदा मैया का प्रेम और कृष्ण की माखन लीला का वर्णन किया है। श्रीमद् भागवत कथा में मुख्य अतिथि के रूप में आज डॉक्टर चित्रलेखा ठाकुर, डॉक्टर प्रभुदयाल साहू, हर्षा बनोदे, सुनीता शर्मा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री गिरिराज सिंह के साथ प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास और छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने छिंदवाड़ा शहर के खजरी रोड पर स्थित रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण और पुष्प अर्पित कर नमन किया। इस दौरान राज्यसभा सदस्य कविता पाटीदार, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष कांता ठाकुर, जिला आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य विवेक साहू और कन्हैयाराम रघुवंशी, संतोष पारिख, संतोष जैन और अन्य प्रतिनिधि साथ में मौजूद थे। शहर में वर्षों बाद कांग्रेस की सरकार बनते ही जनता की समस्याओं को हल करने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। इसी क्रम में विगत कई महीनों से खजरी रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग में निर्माणधीन ROB के दोनों ओर सर्विस रोड में होने वाली जनता की परेशानियों को देखते हुए आज पार्षद दल के नेता पंडित राम शर्मा, जल प्रदाय सभापति प्रमोद शर्मा, सांसद प्रतिनिधि मनोज सक्सेना, सांसद प्रतिनिधि अभिषेक वर्मा सहित कांग्रेस सदस्यों ने नगर निगम प्रोजेक्ट इंजीनियर को सर्विस रोड से आम जनता को होने वाली समस्या और बड़ी दुर्घटना की संभावनाओं से अवगत कराया और निर्देशित किया कि तुरंत मेंटेनेंस कार्य प्रारंभ किया जाए। वहाँ जो गड्ढा है वहाँ पानी में दो हाथ टूटे, आप कॉन्ट्रेक्टर को बुलाइए अभी और उसको यहाँ पे रोज मेंटेनेंस करिए। आपको कॉन्ट्रेक्टर से मतलब नहीं है, हमको नगर निगम से मतलब है। कॉन्ट्रेक्टर को आप मतलब डालो, उसे पैसा काटो, कुछ भी करो, काम यहाँ कराओ। उसका ये
अभी एक रोज रोड बनी हुई है लोगों को जाने के लिए, इस रोड को भी पक्का ही कर रहा है, परंतु कॉन्ट्रेक्टर द्वारा या नगर निगम की लापरवाही से है आज तक इसको मतलब पूरा नहीं किया गया। रोड गिट्टी डाल देते हैं और उसकी पानी की निकासी भी सही नहीं है, तो वो पूरी गिट्टी को ढीला कर देता है और बहा के मतलब आता है और रोड गड्ढे पड़ जाते हैं है? अभी ये महीना भर से ऐसे चल रहा है, जैसे चुनावी प्रक्रिया में कोई कुछ काम नहीं हुआ। इसके बाद अभी हम लोग आज इसीलिए इकट्ठा हुए यहाँ पे, सब पूरी जनता मतलब कईयों के एक्सीडेंट हो गए, ये हो गए, तो लोग बात बोलने लगे कि नहीं भाई अब आपको हमने पार्षद चुना है तो किस लिए, कोई घर में बैठने के लिए थोड़ी चुने। सही बात, आप मतलब रोड पे आइए और मतलब ये सब काम कराइए पब्लिक का। तो उस हिसाब से हमने सबको आज इकट्ठा किए है और अगर ये काम नहीं होता है तो हम इसको ये करते कि कल हम आप कल से मतलब यहाँ पे कार्रवाई करें। राष्ट्रीय हिंदू सेना और बजरंग दल के द्वारा संयुक्त रूप से सिनेमाघरों में पहुंचकर फिल्म लाल सिंह चड्ढा का विरोध प्रदर्शन किया गया। राष्ट्रीय हिंदू सेना के जिला अध्यक्ष यमन साहू ने बताया कि फिल्म के अभिनेता आमिर खान के द्वारा धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इस कारण फिल्म का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सपोर्ट हम तो कह रहे हैं ना, अब सरकारें ज्यादा दे रही तो अपन सरकार के बाहर थोड़ी चले जाएंगे। जिस चीज का सरकार ज्यादा दे रही है, आपने बोला, मैंने डिस्ट्रीब्यूटर को बोला, बोलता मैं आगे बोल देता हूँ, बोले मेरे बॉस को बता देता हूँ, बोले आपको, बोले क्या हर चीज हमारे हाथ में नहीं रहती। लाल सिंह चड्ढा मूवी बंद करो, बंद करो, देशद्रोहियों की मूवी बंद करो, बंद करो, जय श्री राम। लाल सिंह चड्ढा मूवी का विरोध किया गया, जो भारत में रह के आमिर खान को डर लगता है, जो हिंदू की बात नहीं करते हैं, हमेशा से उन्होंने हिंदू विरोधी फिल्म बनाई है, उसके लिए आज राष्ट्रीय हिंदू सेना संचालक को ज्ञापन देके निवेदन करते हुए मूवी बंद कराने के लिए जल्द से जल्द आग्रह किया। श्री राधा कृष्ण मंदिर नरसिंहपुर नाके में यादव महासभा के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक आयोजन किए गए, जिसमें समाज के बच्चों के द्वारा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया। अमरवाड़ा के पास पिपरिया राजगुरु राधे कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के साथ महाप्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश संत पुजारी संघ के जिलाध्यक्ष पंडित सुनील तिवारी, पंडित संजय शर्मा, पंडित मोनू दुबे, पंडित कन्नू तिवारी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन मौजूद थे।